मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ स्टैटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये कहता है कि आप लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन निकालिए। कैसे निकालते हैं? कह रहे हैं आपको ऑब्टेन द इक्वेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। यानी कि कोई रिजिड बॉडी पे हैं जिसपे बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस अप्लाई होते हैं, जिसके कारण जो रिजल्टेंट हुआ उस रिजल्टेंट पे हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है किसका, लाइन ऑफ एक्शन का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ऑनर्स में प्रायः आता है एग्जाम में ये। हमने क्या किया यहाँ पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए जिसके ओरिजिन पे आर वेक्टर लिए। ये आर वेक्टर क्या है, फोर्स है किसका, तो ये कोप्लेनर फोर्सेस का रिजल्टेंट है। हाँ, यहाँ लिखे हम लेट अस सपोज डैट द गिवन सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स आर वेक्टर एट द ओरिजिन ओ। अब रिजल्टेंट निकला तो उसके साथ कपल ऑफ मोमेंट भी होगा, टुगेदर विथ ए कपल ऑफ मोमेंट जी। हम एज्यूम कर लिए कि सेंटर ओ पे जितने भी कोप्लेनर फोर्सेस हैं उसका रिजल्टेंट आर वेक्टर हैं और कपल ऑफ मोमेंट क्या है, जी है। फिर द कपल ऑफ मोमेंट जी कैन बी रिप्लेस बाय टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। अब ये जो कपल ऑफ मोमेंट हैं जी, ये क्या करते हैं, दो फोर्सेस रिड्यूस करते हैं। कैसा फोर्सेस हैं, वो इक्वल हैं और अनलाइक। अनलाइक मतलब क्या होता है, वो पैरेलल नहीं है। अब पैरेलल हैं लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिंग डायरेक्शन में। तो ये कहते हैं दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्स माइनस आर, एक लिए माइनस आर वेक्टर कहाँ पर, एट ओ पे सेंटर पे, एंड माइन आर वेक्टर एट ए डिस्टेंट जी वाई आर फ्रॉम ओ। एक वेक्टर, एक फोर्स क्या है आर वेक्टर माइनस आर कहाँ पे, ओरिजिन पे, और एक दूसरा जो है आपका ये आर, ये कहाँ पे है, ओरिजिन से जी वाई आर दूरी पे, और वो क्या है, पैरेलल है किससे, तो पैरेलल है आर वेक्टर जो आपका कहाँ पे, ओरिजिन पे है उससे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एज्यूम किया कि ये जो आर वेक्टर हैं ये रिजल्टेंट फोर्स हैं। किसका रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट फोर्सेस हैं किसका, जो जितने भी कोप्लेनर फोर्सेस अप्लाई होते हैं रिजिड बॉडी पे उसका। इसके कारण ये कपल ऑफ मोमेंट रिड्यूस हुआ, ये इस रिजल्टेंट के कारण ये कपल ऑफ मोमेंट जी हैं। अब ये जो कपल ऑफ मोमेंट जी हैं, ये दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्स को रिड्यूस करता है। उसमें एक फोर्स क्या है, माइनस आर वेक्टर है, ये कहाँ है, ओ पे है, ओरिजिन पे, और एक वेक्टर ये आर है जो इस आर वेक्टर के क्या है, रिजल्टेंट के पैरेलल है और ओरिजिन से जी बाई आर दूरी पे हैं। ये लिखे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे क्या किया, ये जो फोर्स है आपका, फोर्सेस आर वेक्टर और माइनस आर वेक्टर कहाँ पर, ओ पे ये जो फोर्सेस हैं आपका आर वेक्टर और माइनस आर वेक्टर, ये क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं एक दूसरे को इस प्रकार, एंड द गिवन सिस्टम, ये जो सिस्टम है आपका वो रिड्यूस करता है एक अलग से, एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स आर रिड्यूस करता है। ये दोनों को बैलेंस बनाए हुए हैं आपस में, और एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स आर रिड्यूस करता है कहाँ पर, तो अलोंग ए लाइन एल एम लाइन है, इस पर वो सिंगल फोर्स रिड्यूस करता है कहाँ पे, तो एट ए डिस्टेंट जी वाई आर फ्रॉम ओ, ओरिजिन से जी वाई आर दूरी पे एक आपका रिजल्टेंट फोर्स आर रिड्यूस करता है जो क्या है, पैरेलल है किसके, तो ओरिजिनल फोर्स जो ये आर वेक्टर है इसके पैरेलल है। हाँ, फिर क्या किए हम, इसके बाद मान लेते हैं कि एल एम क्या है, कट करता है किसको, ये जो एल एम लाइन है आपका ये कट करता है एस एक्सिस को पॉइंट ए पे, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और पी कोई पॉइंट लिए, पी कोई पॉइंट है एल एम पे, ये लाइन जो है एल एम इस पे पी कोई पॉइंट है,
पी एस वाई जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। हाँ, यहाँ पे क्या किए, ये जो लाइन है एल एम जिस पे आपका ये एक रिजल्टेंट सिस्टम आपको रिजल्टेंट फोर्स रिड्यूस करता है, वो आपको एस 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 को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। और इसी एल एम लाइन पे हमने क्या किया, पी एस वाई कोई पॉइंट लिए जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। अब देखिए, जैसे देखने से लग रहा है आपको कि ये जो ए पी है ये वेक्टर ये क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, तो आर वेक्टर से, ओरिजिनल वेक्टर जो है ये फोर्स है इसके ये पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो आप पढ़े हो, दो फोर्स अगर पैरेलल होते हैं या सॉरी दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो ये ए वेक्टर है और ये पैरेलल है बी वेक्टर के, तो इसको लिखा जाता है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, कोई स्केलर होता है, कोई कांस्टेंट होता है। वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे लिखे कि अगर ए पी वेक्टर पैरेलल है आर वेक्टर से तो ए बी वेक्टर बराबर एस इंटू आर वेक्टर, जहाँ पे एस क्या है, एनी स्केलर है, ये हम एज्यूम कर लिए। अब ए पी वेक्टर को इसको तोड़ा जाता है, रिड्यूस किया जाता है। जैसे याद करिए आप वेक्टर पढ़े थे एलेवंथ ट्वेल्थ में है वेक्टर, ए और बी वेक्टर हैं तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, ए से ओ प्लस ओ से बी, या ऐसे लिखते थे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये लिए लिखते थे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, ए पी वेक्टर को लिखे इसको ए ओ वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर, ए ओ वेक्टर को उल्टा किए, इसका इसका वेक्टर के कारण इसका साइन चेंज हो जाएगा, ओ ए वेक्टर लिखे तो ये प्लस में था निगेटिव में आ गया प्लस ओ पी वेक्टर। ओ से ए वेक्टर इसका क्या है आपका वेक्टर ए है, ओ पी क्या है आपका वेक्टर आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर निकल गया हमको कितना, ए वेक्टर प्लस एस इंटू आर वेक्टर, ये यहाँ पे एस क्या है आपका कोई स्केलर है, इसको हम इक्वेशन वन मान लिए। अब क्या किए, हम मोमेंट लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, अबाउट ओ के रिस्पेक्ट में। तो जब टेकिन मोमेंट अबाउट ओ लिए तो ये हो गया ए कैपिटल वाई प्लस जी, वाई कैपिटल वाई और कैपिटल एस जो होता है ये डिनोट करते हैं एस एसिस के रिस्पेक्ट में कितने फोर्सेस होगा वो, और वाई एसिस के रिस्पेक्ट में कितने फोर्सेस होगा वो। तो यहाँ पे लिखे हैं ए इंटू कैपिटल वाई इक्वल टू जी, जहाँ पे ए का वैल्यू हमें मिल गया जी बट्टा वाई, ये y आपका y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो फोर्सेस हैं कोप्लेनर फोर्सेस उसको रिप्रेजेंट करता है उसके सम को। अब इक्वेशन वन में जब a का वैल्यू रखें तो ये आया इतना, इक्वेशन वन बिकम्स ये हो गया। अब ये r वेक्टर क्या है, तो r वेक्टर के बारे में पढ़े हो, ये आपको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है p के पोजिशन वेक्टर को। P क्या है, पॉइंट है किसी सिस्टम पे, ये एल एम पॉइंट लाइन पे लिए थे एस वाई कोऑर्डिनेट, तो आर वेक्टर को जब आई जे में लिखेंगे तो ये आ गया एस आई प्लस वाई जे, ये आपका स्मॉल में है, क्योंकि ए कहाँ पे था पोजीशन वेक्टर एस 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 पे लिए थे हम पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, तो इसीलिए इसको आई यहाँ पे आई हम लिखे हैं आई कैप लिखे हैं, तो यहाँ आ गया ये एस आई कैप प्लस वाई जे कैप बराबर जी वाई बड़ा वाई है, ये जी आई कैप प्लस एस इंटू ये हो गया इतना आर। अब आर क्या लिए थे आप, आर रिजल्टेंट जो हुआ था फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस का रिजल्टेंट वो लिए थे, तो आर आर को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एस 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 पे कितना फोर्सेस होगा वो प्लस वाई एस एस पे कितना होगा वो, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला हुआ, पढ़े हैं आप। इस दोनों में i वाले एक साथ ले लिए j वाले अलग लिए, अब क्या किए दोनों ओर इक्वेट कर देते हैं किसको, तो कोफिशियंट जो है i कैप और j कैप इसके कोफिशियंट को दोनों ओर इक्वेट किए, इक्वेट करने पे ये आया यहाँ से ये जो s आपका स्केलर का इसका वैल्यू ये मिला, इसको जब इसमें रखे तो यहाँ पे आके रुके हम वैल्यू रखे एलसीएम लिए y एलसीएम आ गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या किए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले। अब देखिए इसके बाद इसको हम क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस करेंगे आप तो क्रॉस करने पे ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में आपका y है बड़ा y है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस बड़ा y को इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया आपका
यस इंटू बड़ा वाई इक्वल टू हुआ जी प्लस वाई स्मॉल वाई इंटू बड़ा एस, ये आया। इसको एक और ले लिए, जी अलग कर लिए, ये इतना वाई माइनस हो गया वाई कैपिटल एस इक्वल टू जी। यही ये जो इक्वेशन मिला है यही इक्वेशन है क्या, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। हाँ ये आप समझिए, ये हमको याद करना है इस थ्योरम को। अब इस थ्योरम पे आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको थ्योरम देगा या नहीं तो इस पे आधारित क्वेश्चन देगा, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो और खूब मन से तैयारी करिए आप हमारे इस चैनल को। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से करिए, अपने दोस्तों को भी कहें इससे करने के लिए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ऑनर्स का टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।